क्या आप भी पढ़ने लिखने के शौकीन हैं और आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको बता दें कि केंद्र की एक योजना से आप 50,000 रुपए महीने कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना लॉन्च की है जिसमें अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो हिस्सा ले सकते हैं। इस योजना का नाम युवा है। सरकार के ट्विटर अकाउंट माई जीओवी हिंदी ने इस योजना के बारे में बताया है कि इसके अंतर्गत 75 चयनित लेखकों को 50,000 रुपए की महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि आप एक लोकप्रिय लेखक बनना चाहते हैं, नवोदित लेखकों को परामर्श और प्रशिक्षण हेतु प्रधानमंत्री की युवा योजना से जुड़े 75 चयनित लेखकों को 50,000 महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार इसके तहत उसे युवा लेखकों को लेखन के जरिए भारत विरासत और इतिहास को बढ़ावा देना होगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए हर महीने देने की बात कही है। इस बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 30 साल से कम उम्र के लेखकों का एक समूह बनाना है। ये योजना युवाओं को लेखन के जरिए से देश के बौद्धिक इस कोर्स में योगदान देने के लिए एक दिलचस्प अवसर देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर एक लिंक भी शेयर किया है जिसमें योजना के बारे में पूरी जानकारी है। कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं को सशक्त बनाने और सीखने वाला इकोसिस्टम बनाने पर जोर देती है जिससे वे भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार हो सकें। जानकारी के मुताबिक ऐसे लेखकों का एक पूल इस योजना के तहत बनाया जाएगा जिनकी उम्र 30 साल से कम है और वो भारतीय संस्कृति साहित्य को विश्व स्तर पर रखने के लिए तैयार हैं। इसमें देश के बाहर अन्य प्लेटफॉर्म पर भारतीय संस्कृति और साहित्य के बारे में बाकी लोगों को जानकारी मिल सकेगी। योजना में कहा गया है कि देश के स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ये योजना भारतीय साहित्य के आधुनिक राजदूतों को विकसित करने की कल्पना करती है। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में हमारा देश तीसरे स्थान पर है और स्वदेशी साहित्य के इस खजाने को और बढ़ावा देने के लिए ये जरूरी है कि हम इसे वैश्विक स्तर पर पेश करें।